हेलो दोस्तों, दिस इज माय फर्स्ट वीडियो रिलेटेड टू एलिवेटर्स। ये लिफ्ट संबंधित वीडियोस मैं डालूँगा आपसे। और मेरा चैनल किसी भी कंपनी या किसी भी ब्रांड को सपोर्ट नहीं करता है, ना किसी कंपनी का नाम लेता है। हम बस क्या यूज होता है कंपोनेंट्स का, जो बंदे एलिवेटर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उनके लिए उसका बहुत बड़ा बेनिफिट होता है, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है कि हम क्या क्या कैसे क्या कर रहे हैं या एलिवेटर में कैसे वर्क होता है। तो उसके लिए हम वीडियो बना रहे हैं। दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो। तो अगर वीडियो अच्छे लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन, हमारा पहला टॉपिक है कि व्हाट इज़ द यूज ऑफ काउंटर वेट इन द एलिवेटर। हमारे एलिवेटर इंडस्ट्री में एक साइड कार होती है, एक साइड काउंटर वेट होता है। तो इस काउंटर वेट का यूज़ क्या होता है इस कार के लिए? चलिए देखिए, इसका जो आंसर होता है वो ये होता है कि जब हमारा जो ये मोटर है यहाँ पे, ये मोटर क्या करता है कि इस मोटर की एक अपनी कैपेसिटी होती है। इस कैपेसिटी को क्या करना है कि ये मोटर इस कार को, जो ये कार है यानी ये जो लिफ्ट है, इस लिफ्ट को कितना खींच सकता है या कितना, मतलब कैपेसिटी इस मोटर पे कितनी हम कैपेसिटी डाल सकते हैं। मान लीजिए इस मोटर की क्षमता है 1000 kg खींचने की, ठीक है, और आप कह रहे हो कि नहीं, इसको हम 2000 खींचवाएंगे। तो ये 2000 लोड खींच नहीं सकता, इसलिए इस मोटर की कैपेसिटी, इस मोटर की लोड कैपेसिटी खींचने की जो क्षमता है वो इस कार के ऊपर डिपेंड करती है। तो हम मान लीजिए कि कार और ये काउंटर वेट जब डिज़ाइन होता है, तो कार को मान लीजिए हमने डिज़ाइन कर लिया और कार को हमने यहाँ लग दिया। उसके बाद जब ये काउंटर वेट में जब ये ब्लॉक्स डाले जाते हैं, इन ब्लॉक्स को डालते टाइम जब क्या होगा कि एक टाइम ऐसी स्थिति आएगी कि लिफ्ट बिल्कुल बैलेंसिंग सिद्धांत पे हो जाएगी, तभी कहते हैं कि लिफ्ट जो होती है बैलेंसिंग के सिद्धांत पे कार्य करती है। अब लिफ्ट बैलेंस कब हो जाएगी, जब आपने डाला, मान लीजिए इसका वजन क्या है, इसका वजन हो गया 100 kg और काउंटर वेट में भी आपका एक वजन आ गया 100 kg। जब दोनों में 100 kg 100 kg दोनों में वजन आ गया, तो होगा क्या कि मान लीजिए ये 100 kg, ये 100 kg और दोनों का दोनों ये क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। अब लिफ्ट बिल्कुल ये एकदम दोनों पैरेलल पोजीशन में आ जाएंगे, ये इधर से घूम के, ये इधर से घूम के आया, ये इधर से बैलेंस, ये इधर से बैलेंस। अब दोनों में 100 kg, ठीक है। तो अब क्या कहते हैं कि काउंटर वेट जब हमारा बनाया जाता है, तो अब मान लीजिए कि हमें इस कैपेसिटी की क्या बोलते हैं कि अब कस्टमर डिमांड है कि जी हम इसमें 1000 वजन लेके जाना चाहते हैं, 1000 kg वजन लेके जाना चाहते हैं। तो अब हम क्वेश्चन यही उठता है कि अब हम काउंटर वेट में कितना वेट डालें। तो मोस्ट इन ये क्वेश्चन है कि इसमें हम वेट कितना डालें। तो वेट डालने के लिए हम क्या करते हैं कि जो भी ये वेट होता है, इसी वेट का 50% वेट, अब इस वेट का ये कितना हो जाएगा, 500। तो यही वेट हम यहाँ पे और 500 डाल देंगे, यानी 100 kg प्लस 500 kg इस काउंटर वेट का वजन हो जाएगा। अब इस 100 kg प्लस 500 kg इस काउंटर वेट का वजन हो जाएगा। तो अब चलिए, कैसे बैलेंसिंग के सिद्धांत पे काम करते हैं लिफ्ट, ये हम आपको बताते हैं। ये देखिए, ये क्या है, फर्स्ट केस है जब कार बॉडी बिल्कुल खाली है, कार बॉडी बिल्कुल खाली है। इस टाइम इसका वेट कितना है, 100 kg। इस टाइम पे इसका वेट कितना है, 100 kg। काउंटर वेट में भी कितना वेट था हमारा, 100 kg प्लस 500। तो ये 100 kg से ये 100 kg तो कट गया, ठीक है, ये 100 kg से ये 100 kg तो हमारा कट गया। अब काउंटर वेट पे हमारा जो वजन कितना है, 500। अब हमें चूंकि ये मोटर जो खिंचवानी है, मोटर से जो लोड हमारा खिंचवाना था, तो मोटर हमारी कितने का था, किस टाइम कितना खींचेगा, तो ये इस टाइम मोटर पे जो लोड पड़ेगा वो कितना पड़ेगा, 500 kg, क्योंकि 100 से 100 कट गया। इस टाइम पे लिफ्ट क्या है, टॉप पे है और काउंटर वेट बॉटम में है। जब काउंटर वेट को ऊपर खींचना है तो मोटर पे जो लोड पड़ा हमारा वो 500 kg का पड़ा। ऐसे ही सेकेंड केस में क्या होता है, जब काउंटर वेट हमारा टॉप पे खड़ा हो और कार खड़ी हो बॉटम में, बॉटम फ्लोर पे, और बॉटम फ्लोर पे क्या हो कि जो आपने इसकी कैपेसिटी, फुल कैपेसिटी कही थी 1000 kg, पूरे पैसेंजर आपने डाल दिया इसमें, फुल टाइम फुल लोड है,
और 1000 जो इसकी केजी थी वो है, और इसका है प्लस 100 है, इसका 100 प्लस 500 केजी है, तो होगा क्या कि मान लीजिए काउंटर वेट हमारा 600 केजी है, और ये जो 1000 प्लस 100, अब इस टाइम इसका 11, तो इसे यानी 500 कितना अधिक हुआ मोटर पे इस टाइम। अब मोटर को भी खींचना है तो कितना लोड पड़ा हमारे मोटर के ऊपर, तो मोटर के ऊपर हमारे अभी भी लोड जो पड़ा इसमें से 500 केजी ही लोड पड़ा। तो इसीलिए कहते हैं कि लिफ्ट बैलेंसिंग के सिद्धांत पे कार्य करती है। लिफ्ट किस सिद्धांत पे कार्य करती है, तो लिफ्ट बैलेंसिंग के सिद्धांत पे कार्य करती है। तो आई थिंक दोस्तों ये था काउंटर वेट लिफ्ट संबंधित वीडियो, आज से मैं बनाऊंगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।